नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। नगर निगम ने सड़क पर चलाया सफाई अभियान, कई दुकानदारों के किए चालान। कानपुर के चकेरी क्षेत्र जाजमू में अवैध कब्जेदारों पर नगर निगम ने नई चुंगी से पुरानी चुंगी तक उत्तरी नगरायुक्त के आदेश पर नगर निगम द्वारा अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करते हुए जोनल अधिकारी मनोज कुमार पाल के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जाजमू नई चुंगी से पुरानी चुंगी तक सड़क में अवैध कब्जे और दुकानों के बाहर गंदगी पाए जाने पर दुकानदारों के चालान किए गए और सड़कों में पड़ा सामान को नगर निगम ने कब्जे में ले लिया। दुकानों के बाहर पानी की बनौरी और कार्टन आदि सामान सड़क से उठाकर नगर निगम के कर्मियों ने गाड़ी में लादना शुरू किया। तब दुकानदारों और नगर निगम के कर्मियों व अधिकारी के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन नगर निगम के आगे किसी दुकानदार की एक भी ना चली और सड़कों का सारा सामान नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया। इस अभियान में नगर निगम कर्मचारियों के साथ परिवर्तन दल की टीम भी मौजूद रही। मनोज कुमार पाल, जोनल अधिकारी, ने बताया कि नगर आयुक्त महोदय ने एक महीने का सफाई अभियान चलाया है, जिसमें दुकानदारों द्वारा सड़कों के तरह तरह की गंदगी फैलाई जा रही और फुटपाथों में अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिसको देखते ऐसे दुकानदारों पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। एलजाजमू में दुकानदारों के ऊपर करीब 15,000 रुपए के चालान किए गए। वाजिद खान की रिपोर्ट। किया हुआ है और दुकानें लगाकर सड़क पे पूरा सड़क पे फैला रहे हैं, उन सबका चालान होगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके लिए हमारे नगर आयुक्त महोदय ने एक महीने का पूरा प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। हर एक मार्केट का फिक्स किया, पूरे कानपुर नगर निगम क्षेत्र का जो है हर एक क्षेत्र का एक प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है और उसमें जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, फुटपाथों पर कूड़ा फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। अब तक कितने का चालान हो चुका है? अब तक करीब 15,000 के लगभग चालान हम लोगों ने किया है और चालानी कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की गई, जिन्होंने फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ है। आप लोग के साथ कितने टीम के अधिकारी हैं? हम लोग के साथ जो है हमारे कर विभाग के अधिकारी हैं, हमारा अभियंत्रण विभाग भी है और हमारा स्वास्थ्य विभाग है, साथ में चल रहा है।